महू मेवात जिले की फिरोजपुर झिरका थाना पुलिस द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर जागरूकता फैलाई गई है। हम आपको बता दें, जिले में बढ़ रहे साइबर अपराधों को लेकर फिरोजपुर झिरका पुलिस बड़ी गंभीर दिखाई दे रही है। क्षेत्र में बढ़ रही है साइबर अपराध, ठगी के मामलों पर रोकथाम व जालसाजों के चंगुल में आने वाले लोगों को जागरूक करने की नीयत से फिरोजपुर झिरका पुलिस ने बुधवार को जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इससे बचने के लिए प्रेरित किया। जागरूकता अभियान का नेतृत्व कर रहे सब इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि साइबर ठगी समाज में एक गंभीर अपराध बनता जा रहा है। ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। इस समस्या से बचने तथा लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जिला पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिजारनिया के दिशा निर्देशों पर बुधवार को फिरोजपुर झिरका पुलिस द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि इंटरनेट साइटों पर अनेक तरह के ऑनलाइन शॉपिंग, मनी लिंक, मैसेंजर इत्यादि के माध्यम से कुछ साइबर ठग लोगों को चूना लगा रहे हैं। ऐसे लोगों से अपील है कि वे उनके प्रति सावधानी बरतकर जालसाजों के बहकावे में न आए। उन्होंने बताया कि बैंक खाता संबंधित या एटीएम से संबंधित जानकारी किसी को साझा न करें, उससे आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए क्षेत्र के लोग भी पुलिस का पूरा सहयोग करें। यदि कोई व्यक्ति इस तरीके के धंधे में लिप्त है, उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे, ताकि समय रहते अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। अंत में उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में इस तरह का जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर मजीद खान, सिपाही हकमुद्दीन सहित अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। तो जैसे तो ये जो हमारे एडीजीपी क्राइम साहब हैं और जो हमारे एसपी साहब हैं हमारे नूह जिले के, उनके आदेशानुसार ये जो आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं उसके बारे में, ये बस स्टैंड है हमारा फिरोजपुर झिरका का, इस पर जो पब्लिक है, जो आने जाने वाली सवारियाँ हैं, विभिन्न राज्यों के भी हैं, हमारे इस जिले के भी हैं और हरियाणा राजस्थान से लगते हैं, यहाँ जो राजस्थान का बॉर्डर लगता है वहाँ के भी यहाँ पब्लिक थी, जिनको जो है ना ऑनलाइन फ्रॉड जो हो रहे हैं उनके बारे में अवेयर किया गया, पब्लिक को बताया गया कि ये जो हमारे जो OTP वगैरह जो आते हैं फ़ोन करके जो पूछ लेते हैं, तो ये इनके बारे में ये OTP किसी भी प्रकार का OTP फ़ोन के ऊपर किसी को भी नहीं बताएं, वो किसी भी प्रकार का OTP क्यों ना हो। और जो ये हमारे जो रिक्वेस्ट मनी लिंक आते हैं उन पे कभी भी क्लिक ना करें और ना ही OTP बताएं हम। और जो फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर वगैरह पर जो पैसे मैसेज करके जो मांग लेते हैं कोई जानकार बन के, तो ऐसी पर इस प्रकार की ठगियों से भी बचा जाए, कैसे बचा जाए, तो उस बारे में भी अवेयर किया गया है। ओलेक्स जैसी वेबसाइट है जिन पर सस्ते सामान का ऑफर दे के, सस्ते में बिकने का ऑफर दे के वो जो ना फ्रॉड कर लेते हैं पब्लिक के साथ, कहीं बुला लेते हैं, ठगी कर लेते हैं और पैसों की छीना झपटी भी कर लेते हैं कहीं किसी जगह पर बुला, उस बारे में ये जो है ना पब्लिक को अवेयर किया गया।